Friends, how are you? And in last lecture we completed the capacitance of a parallel plate capacitor, and after that we will start next topics. I think you have completed your notebook as well as you have solved your assignments also. So only one query, but it is repeated, so I will take your query, one question, and then some derivations. And this chapter is very important, so I always tell you that you must do it properly and learn it also. ठीक है, जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपके, इमीडिएट आपके टेस्ट होंगे, पेपर होंगे, तो इसलिए साथ साथ तैयार करते रहो, जो भी डाउट है उनसे पूछते रहिए. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं. वैसे वो प्रॉब्लम पहले भी बता चुका हूँ, एंड्रॉप वाली. बच्चे ने कहा है चलो आइडिया दे देता हूँ दोबारा, लेकिन देखा करो पिछले नोट्स में सॉल्व है वो. ठीक है, चलिए लेट्स, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है बच्चे ने. बेटे रिपीटेड है, ध्यान से पढ़ा करो. एंड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई एंड हैविंग इक्वल चार्जेस कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप बिग ड्रॉप कंपेयर चार्ज कैपेसिटेंस पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप एंड करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप. ये तो पहले भी करा चुका हूँ भाई मैं क्वेश्चन आप लोगों को. चलो देखो बेटे, ये ड्रॉप्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज सपोज क्यू. क्लियर? अब बताइए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द नेट चार्ज, और ये बनाती है एक बड़ी ड्रॉप जिसकी मान लीजिए रेडियस कैपिटल आर होगी और चार्ज कैपिटल क्यू, जो कंबाइन होंगी. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताइए, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू अप टू एन बच्चों, एन क्यू. तो चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन क्यू अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एन टाइम्स हो जाएगा. सो क्यू बाई स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एन, जो पहला आंसर. उसके बाद मैंने आपको समझाया था प्लस वन की सरफेस टेंशन में भी ये प्रॉब्लम थी. सपोज एन ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, तो द रेडियस ऑफ द, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप एंड रेडियाई ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स. तो क्या हो जाएगा बताओ, एन इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर कैपिटल क्यूब. फोर बाई थ्री विल कैंसिल आउट, सो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यूब बच्चो, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू एन की पावर वन बाई थ्री टेकिंग क्यूब रूट स्मॉल आर. तो द रिलेशन इन द रेडियस, सो आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू एन की पावर वन बाई थ्री हो गया. कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप कितना आ गया बच्चों, सी इज इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन आर, और सी डैश बिग ड्रॉप का फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ये रहा देखो कैपिटल आर क्या है, एन की वन बाई थ्री स्मॉल आर. ये वैल्यू रख दीजिए, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एन की वन बाई थ्री स्मॉल आर, सो सी डैश इज इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन टू दी पावर वन बाई थ्री. और ये क्या हो गया स्मॉल, यानी कि सी कैपेसिटेंस एन की वन बाई थ्री, तो सी डैश बाई सी इज इक्वल टू एन की पावर वन बाई थ्री सेकेंड आंसर. और क्या पूछा आपसे, पोटेंशियल. पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप वी इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर, एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर. तो बेटे कैपिटल क्यू को रिप्लेस कर दीजिए किससे, एन क्यू से,
एन क्यू अपॉन कैपिटल आर, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर. सो वी डैश इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर इन टू बच्चों एन. ये बेटे नीचे एन की 1/3, तो ऊपर कितनी होगी एन की और 1 - 1/3 आई मीन स्मॉल. ये वी आ गया पोटेंशियल आपका, और ये कितनी बची पावर वी एन की पावर 2/3. सो वी डैश बाई वी इज इक्वल टू एन टू द पावर 2/3. तीनों आंसर आ गए, तो आप जिसको भी चाहे उसको भी कर सकते हैं. तो दोबारा रिपीट करा दिया आपने मेरे से क्वेश्चन, कोई बात नहीं. चलिए, तो ये एक डाउट बच्चे ने पूछा है, और अब हम आगे बढ़ते हैं. क्या होगा द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर. अब हम करेंगे, चलो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर. डाइलेक्ट्रिक स्लैब. देखिए, बनाइए फिगर. ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया. सपोज दिस इज द फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज द सेकंड प्लेट. प्लस क्यू इज द चार्ज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट एंड माइनस क्यू चार्ज विल इंड्यूस at the inner face of the second plate and outer face of the second plate is connected to the earth. Clear? And A is the area of the plates and D is the distance between the two plates. ये आपने किया हुआ है, अब आप देखिए. तो the electric field setup E node हो जाएगा between these two plates. अब आप क्या करेंगे, एक इसमें dielectric slab डाल दीजिए, ये डाल दीजिए ऑफ थिकनेस t. और क्या समझाया था डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उनके एटम्स पोलराइज हो जाएंगे. ये देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा इसमें E, याद कीजिए. अंदर EP इधर डेवलप हुआ था, और नेट बचा कितना था E. कंसिडर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. टू प्लेट्स आगे समझ में. और के क्या है इसका, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्लैब. के इज द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द स्लैब. अब बताओ, अब ध्यान दो क्या समझाया था. इजिकल टू वी बाई डी, तो वी इजिकल टू ए इन टू डी. अब देखो, द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं. क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू ई नोड डी माइनस टी. बताओ बच्चों, ये ई नोड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें, खाली जगह में. ये टोटल कितनी है, डी, और स्लैब की थिकनेस क्या है, टी. तो खाली जगह कितनी बची, ये और ये मिला के डी माइनस टी, और स्लैब के अंदर इंटू ई इंटू टी. ये आ गया आपका पोटेंशियल.
इक्वल टू वी बाई डी से बच्चों, तो वी इक्वल टू ई इंटू थिकनेस, थिकनेस खाली जगह कितनी है ये और ये मिला के कितनी डी माइनस टी, और स्लैब के अंदर कितनी है थिकनेस टी, तो ई इंटू टी। वी नो ई नोट बाई ई इज इक्वल टू के बच्चों, सो ई इज इक्वल टू ई नोट बाई के। डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या रिलेशन है, ई नोट बाई ई इज इक्वल टू के, जैसे एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ऐसे एफ ई वैक्यूम अपॉन ई मीडियम इज इक्वल टू के, तो ई की जगह हम क्या रख सकते हैं ई नोट बाई के। ई नोट दोनों में कॉमन है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के क्या आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहां रख दीजिए। सो वी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बस ये आपकी वी की वैल्यू आ गई। मैंने क्या समझाया था, हर डेरिवेशन में आपको क्या निकालनी है v की वैल्यू। तो दोबारा देख लीजिए कि कंसीडर ए डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, a इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लस q चार्ज इज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट, माइनस q विल इंड्यूस एट द इनर फेस एंड प्लस q बाहर वाली पाएगा, उसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो आप लोग के ध्यान होगा ये बन गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डायलैक्ट्रिक स्लैब। आप जानते हैं इजिकल टू वी बाई डी होता, तो वी इजिकल टू ई इंटू थिकनेस, तो ई यहाँ कितनी खाली जगह में ई नोड, गैप कितना बचा है बीच का बेटा डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। वी नो ई नोड बाई इजिकल टू के, तो ई इजिकल टू ई नोड बाई के, तो ई नोड बाई के हो जाएगा ये, तो ई नोड डी माइनस टी प्लस ई नोड बाई के इंटू टी, ई नोड कॉमन ले लीजिए तो डी माइनस टी प्लस टी बाई, और ई नोड क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोड, ये वैल्यू रख दीजिए, v इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोड ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया। पुटिंग इन c इज इक्वल टू क्यू बाई वी में रख दो, वही सेम क्यू बाई एप्सिलॉन नोड ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बच्चों क्यों से क्यों कैंसिल, सो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डायलैक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको पता है कि खाली जगह नहीं छोड़ सकते आप, अगर खाली जगह छोड़ेंगे तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और एयर मॉलिक्यूल आयनाइज होकर स्पार्किंग कर देंगे, मैंने पहले बताया था आपको, एक्सीडेंट हो सकता है। सो अगर हम पूरे में फंसा दें, कोई खाली जगह ना छोड़ें, पुटिंग टी इज इक्वल टू डी, इफ टी इज इक्वल टू डी, सोचिए कि सारे के सारे में इसमें स्लैब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई खाली जगह नहीं है, तो टी इज इक्वल टू डी रख दो ये, अब रखो इसमें तो सी क्या आ जाएगा आपका, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई d माइनस डी प्लस डी बाई के, ये d कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन a बाई डी बाई के ऊपर चला जाएगा, k एप्सिलॉन a बाई डी। तो आप देखिए कैपेसिटेंस आपका क्या आ जाएगा, k टाइम्स होगा, दो फायदे हो गए, कैपेसिटी इंक्रीज होगी कैपेसिटर की, और आपका एक्सीडेंट भी नहीं होगा, स्पार्किंग नहीं होगा। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डायलैक्ट्रिक स्लैब, एक ये रिलेशन है आपके पास और एक ये रिलेशन है, तो ये हो गया। कंडक्टिंग स्लैब सिलेबस में नहीं है तो कोई फायदा नहीं उसके करने का। अब आप आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये दोनों भी आपके सिलेबस में नहीं है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पर चलो बता देता हूँ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल
कैपेसिटर। अब आप देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, आपको ध्यान होगा बताया था ये बाहर वाला आपका स्फीयर है मान लीजिए, और ये इनर स्फीयर है। इनर स्फीयर की रेडियस ए ले लीजिए और आउटर स्फीयर की रेडियस बी ले लीजिए। प्लस क्यू चार्ज आपने इनर स्फीयर को दे दिया और आउटर की इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ जाएगा, और आउटर सरफेस को कनेक्ट कर दिया आपने अर्थ से, ये होगा। तो कंसीडर क्यू इज द चार्ज गिवन टू द इनर स्फीयर एंड माइनस क्यू चार्ज विल इंड्यूस एट द इनर फेस ऑफ द आउटर स्फीयर। याद आ गया, गॉसियन सरफेस आपको पोटेंशियल निकालना है यूजिंग E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ई डी आर हो गया। कहाँ निकालोगे, ये एक रेडियस आर यहाँ मान लीजिए बीच में है, ये आपकी गॉसियन सरफेस हो गई। क्या बना लिए, गॉसियन सरफेस। अब बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर क्या आ जाएगा, तो आपका डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इनर की रेडियस क्या है ए और आउटर की कितनी है बी, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी। वन बाय आर स्क्वेयर डी आर याद करो, पोटेंशियल में यही किया सब माइनस वन बाय आर हो जाएगा। माइनस साइन बाहर ले लीजिए, लिमिट रखनी सबको आती है। V इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन बाई बी माइनस वन बाई ए, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो बदल जाएंगे वन बाई ए माइनस वन बाई बी। एलसीएम क्या आ जाएगा, बी माइनस ए अपॉन ए बी हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू आगी पुटिंग इन सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी। This is the capacitance of a spherical capacitor. C is equal to 4 pi epsilon, देखो ऊपर चला जाएगा ये बेटे ऊपर आ जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए। यहाँ ध्यान दे, वैसे मैंने बताया कि सी बी एस ई के सिलेबस में नहीं है पर फिर भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ वेरिएबल है, वेरिंग पोटेंशियल है, तो क्योंकि यहाँ से रेडियस बढ़ती चली जा रही है बाहर को, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन मेथड से किया जाएगा। वो दोनों पीछे डायरेक्ट हो गए थे आपके, तो डी वी की वैल्यू आपको पता ही है, ये आ जाएगी 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ रेडियस वेरी कर रही है ए टू बी, तो ए से बी कर दिया आपने इसका इंटीग्रेशन, ये आपका बस ये सारा का सारा पोटेंशियल आपने क्या होता है 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई आर ए टू बी, तो बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू 1 अपॉन आर ए टू बी, इंटीग्रेट लिमिट रख दीजिए अपर लिमिट 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन क्यू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, उल्टा हो जाएगा एलसीएम ले दीजिए बी माइनस ए बाई ए बी। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारी, पुटिंग इन सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, तो बच्चों बस ये वैल्यू रख दी क्यों से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा बी इंटू ए अपॉन बी माइनस ए। अगर डायलैक्ट्रिक डाल दें तो फोर ए, अगर डायलैक्ट्रिक से भरा हुआ है बीच का सारा पोर्शन तो क्या आ जाएगा और ए डाइलेक्ट्रिक के, तो सी क्या जाएगा के फोर पाई एप्सिलॉन एन टू बी बाई बी माइनस ए, ये डाइलेक्ट्रिक क्या।
तो ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके बाद हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये भी सिलेबस में नहीं है। कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या समझाया था कि सपोज वी टेक ए सिलेंडर, दिस इज द इनर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए, गिवन द चार्ज प्लस क्यू एंड टेक द आउटर सिलेंडर ऑफ रेडियस बी, माइनस क्यू चार्ज विल इंड्यूस एट इट्स इनर फेस एंड आउटर फेस इज कनेक्टेड टू द अर्थ, एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। वही क्वेश्चन से फिर ड्रॉ करो, एक सिलेंडर और ले लो बीच में, तो यूजिंग ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, सेम बच्चों डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 2λ/r, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद होगा सबके लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई आर। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया आपने कितनी, क्यू बाई एल रख दी, क्यू बाई एल इंटीग्रेट। फ्रॉम 0 टू सॉरी ए टू बी बच्चों करो इंटीग्रेट डी वी, वन अपॉन 4π ε कॉमन बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट है 2q/L को बाहर आ गया, क्या बचा इंटीग्रल ए टू बी 1r dr। हाँ भाई क्या होता है 1r का इंटीग्रल, लॉग बेस r, सब दोबारा ध्यान कर लेना, लिमिट ए टू बी लॉग बेसी बी माइनस लॉग बेसी ए बच्चों, और लॉग बी माइनस लॉग ए लॉग बी बाई ए होता है फॉर्मूला इसका। ये हमारा रिजल्ट आ गया किसका, पोटेंशियल का, पुटिंग इन से क्यों कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 4π ε l/2 log base b/l। दोबारा समझ लो, याद करो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन चार्ज आपने निकाला था, तो सपोज q इज द चार्ज गिवन टू द इनर सिलेंडर, माइनस क्यू विल इंड्यूस एट द इनर फेस ऑफ द आउटर सिलेंडर एंड आउटर आउटर फेस ऑफ द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, क्लियर। सो यूजिंग ई इजिकल टू डी यू बाई डी आर, वी आर यूजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ई ओनली, सो डी वी इजिकल टू ई डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेक ए कोसाइन सरफेस ऑफ रेडियस आर इन बिटवीन इट,
तो द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε2λr, वेर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई एल लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बेटे ये वैल्यू यहाँ रख देंगे आप, क्यू की जगह क्या रख दिया आपने, सॉरी लैम्डा की जगह क्यू बाई एल। तो डी वी इज इक्वल टू 1/4πε02λr डी आर, 1/4πε02qlr dr। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी, कर दीजिए इंटीग्रेट इसको ए से बी तक। तो डी वी इज इक्वल टू 1/4πε02qlr dr, ए टू बी 1/4πε02ql, ए टू बी 1/r dr। और 1/r का इंटीग्रल याद रहे सबके, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉग बेस ही आर होता। तो 1/4πε02ql लॉग बेस ही आर, ए टू बी लिमिट पुट कर दीजिए 1/4πε02ql लॉग बी माइनस लॉग ए, यू नो वेरी वेल लॉग बी माइनस लॉग ए लॉग बी बाई ए, ये फॉर्मूला हो गया। तो बी इज इक्वल टू 1/4πε02ql लॉग बेस ही बी बाई ए, पुटिंग इन सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, है वी की वैल्यू उठा के नीचे रख दीजिए। क्यू अपॉन 1/4πε02ql लॉग बेस ही बी बाई ए, क्यू से क्यू कैंसिल, ये 4πε l कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4πε l अपॉन 2 लॉग बेस ही बी बाई ए। एक डायलैक्ट्रिक है, हाँ ये भी याद है आपको, बेस ई को बेस 10 में कैसे बदलते हैं, क्योंकि हमारी टेबल किसमें होती है बेस 10 में, 2.303 से मल्टीप्लाई करके ये भी आ जाएगा। लॉग बेस 10 बी बाई ए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है हम 2 को इसलिए नहीं काटते 4 से, 4πε0 की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी 1/9×10⁻¹, तो इसलिए मैं इस 2 को लेकर चल रहा था, अदरवाइज तो आप इसको ऊपर काट सकते हैं। फॉर डायलैक्ट्रिक के क्या जाएगा, अगर इस जगह खाली पूरे हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भर दें जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के, तो सी क्या आ जाएगा आपका 4πε0 L into K upon 2 into 2.303 log base 10 B by A। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो मैंने भी आपको बताया कि ना ही तो स्फेरिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में है, ना ही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपके सीबीएसई के सिलेबस में है, फिर भी कहीं एंट्रेंस में आपको ज़रूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों डेरिवेशन करा दिए हैं। थ्योरी आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है इनकी, एक बार पढ़ लेना देख लेना समझ में आ जाए, तो यू कैन लर्न ओनली दीज रिलेशंस फॉर द स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। ये मैंने आपको करा दिया है कैपेसिटेंस ऑफ ए वेरियस टाइप ऑफ द कैपेसिटर्स, और अब इसके बाद हम करेंगे आपका, याद करो आपने टेंथ में पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, उसी तरीके से ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स आप करेंगे। तो वहाँ भी थी सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग, तो ऐसे सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग यहाँ भी करेंगे हम। तो अब हम जो मैंने बताया आपको कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स करेंगे, जो जैसे आपने टेंथ में किनकी की थी रजिस्टर्स की ग्रुपिंग, ऐसे ही क्या टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और यू कैन से कंडेंसर्स। ध्यान करो टेंथ में मैं बता रहा हूँ आपको, आपने की थी सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग, तो वही चीज यहाँ है। आपने क्या देखा कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, एरिया एंड लेंथ। तो वहाँ भी उसी तरह रजिस्टर्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द रजिस्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ। तो उसी तरीके से आप यहाँ करेंगे नंबर एक सीरीज ग्रुपिंग,
कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज आप जानते हैं जब एक ही कनेक्शन से चलते हैं कैपेसिटर, मान लीजिए देखो एक कैपेसिटर ले लिया आपने, ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, सेकंड कैपेसिटर आपने ये ले लिया और थर्ड कैपेसिटर ये ले लिया, तो सपोज दीज आर द थ्री कैपेसिटर्स आर जॉइंट इन सीरीज एंड देयर कैपेसिटेंस आर C1, C2 एंड C3, दे आर कनेक्टेड विद ए पोटेंशियल V, एंड V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C1, V2 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C2 एंड V3 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C3। क्लियर? हाँ बच्चों, चार्ज विल रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सोचिए सपोज आपने यहां से पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो प्लस क्यू चार्ज यहां आ गया इस पे, माइनस क्यू चार्ज विल इंड्यूस एट दिस फेस, प्लस क्यू इस फेस पे आएगा, वो यहां कनेक्ट है तो इधर चला जाएगा ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हियर, अगेन यहां का प्लस क्यू इस प्लेट के ऊपर और माइनस क्यू यहां आ जाएगा। तो इन सीरीज द चार्ज रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल विल डिवाइड। सपोज V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C1, V2 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C2 एंड V3 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C3। क्लियर हो गया सबको? तो सपोज देयर आर थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 and C3 are connected in series. The charge Q remains same across each capacitor V1, V2 and V3 are the potentials across C1, C2 and C3 respectively. The net potential क्या जाएगा? V is equal to V1 plus V2 plus V3 using Q is equal to CV, तो वही V is equal to Q/C। बच्चा क्या आ जाएगा बोलो? V1 is equal to Q/C1, V2 Q/C2, V3 Q/C3, taking Q common, 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. If net potential is C, V is equal to Q/C रख दीजिए, Q/C is equal to Q1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। तो ये आ गया आपका सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। दोबारा देख लीजिए, सपोज देर आर थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज 1/1। ऐसे इसकी एक प्लेट इसकी प्लेट से कनेक्ट होगी, ये ऐसे तो एक ही लाइन में चलेंगे तो क्या कहलाते हैं आपके इस तरह सीरीज ग्रुपिंग, तो वो एक ही जॉइन हो। तो हाँ, सीरीज में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। V1 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C1, V2 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C2, V3 इज द पोटेंशियल अक्रॉस C3, नेट पोटेंशियल इज V। तो V is equal to V1 plus V2 plus V3 using Q is equal to CV, तो V is equal to Q/C, तो V1 is equal to Q/C1, Q/C2, Q/C3, taking Q common, 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3,
इफ नेट पोटेंशियल इज सी तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू से क्यू कैंसिल, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2 प्लस 1 बाई सी 3। तो दिस इज द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर। सिंपल सी बात है, इफ यू वांट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस तो वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सीरीज ग्रुपिंग होती है, इसके बाद क्या है आपकी पैरेलल ग्रुपिंग, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इन पैरेलल। देखिए अब ध्यान दो, पैरेलल में ऐसे ज्वाइनिंग होती है, एक कैपेसिटर ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा आपका ये रहा। अब एक से तीनों कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, यहां से डिफरेंट डिफरेंट आर्म से कनेक्ट होंगे, ये चले गए आपके, और ये तीन कैपेसिटर आपके C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और बच्चों विद ए पोटेंशियल वी, द पोटेंशियल रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन पैरेलल। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, वी ही रहेगा, प्लस क्यू इज द चार्ज अक्रॉस C1, Q1 माइनस Q1 विल इंड्यूस एट द इनर फेस ऑफ इट, प्लस Q2 इज द चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर, माइनस Q2 विल बी ऑन दिस फेस, प्लस Q3 इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर थर्ड, एंड माइनस Q3 विल इंड्यूस हियर, एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द आउटर सरफेस विल मूव टू द अर्थ। क्लियर, दोबारा ध्यान से बात समझ लो, इन सीरीज द चार्ज रिमेन्स सेम थ्रू आउट ईच कैपेसिटर, तो बट इन केस ऑफ पैरेलल द चार्ज विल डिवाइड बिकॉज there are three arms connected separately with the capacitors, so but potential remains same in parallel. So suppose there are three capacitors of capacitances C1, C2 and C3 are connected in parallel. The potential V remains same through each capacitor Q1, Q2 and Q3 are the charges across C1, C2 and C3 capacitors. So the net charge, क्या आ जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यूजिंग Q इज इक्वल टू CV, तो एंड Q1 C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V, रख दीजिए वैल्यूज, तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, टेकिंग V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3 और V विल कैंसिल आउट, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो द नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि आप देख लीजिए ज़्यादा हो गया है, यानी कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस देन यू विल जॉइन दैम इन द सीरीज, सॉरी इन पैरेलल, और इफ यू वांट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस यू विल कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो ये आपकी दो तरह की ग्रुपिंग होगी, याद करो जो आपने टेंथ में ये टॉपिक किया हुआ है आपका, बस डिफरेंस किस बात का है, वहां क्या था, इनकी जगह रजिस्टर्स,
वो भी आप अगली यूनिट में करेंगे, तो वहां रिजल्ट उल्टे होते हैं। सीरीज में क्या आता था याद, तब ध्यान देंगे, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्स 1/r3, तो उल्टे हो गए रिजल्ट। कैपेसिटर के सीरीज में क्या आ गया, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3, और पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये सबको क्लियर हो गया कि अगर मान लीजिए आपके पास कैपेसिटी डिक्रीज करनी है तो आपको कैपेसिटर्स को किस में लगाना पड़ेगा, सीरीज में, और कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो कैपेसिटर्स को आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। दोबारा रिमाइंड कर लो, इन सीरीज चार्ज विल रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिवाइड, बट इन पैरेलल द चार्ज डिवाइड एंड पोटेंशियल रिमेन सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आगे सबकी समझ में? तो ये है आपकी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, आगे भी दूंगा। सी इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन ए बाई डी, और आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। देखना जरा, उल्टे नहीं हो गए? यहाँ एरिया ऊपर है, यहाँ एरिया नीचे है, यहाँ डिस्टेंस ऊपर नीचे है, यहाँ डिस्टेंस ऊपर है, तो इसलिए बेटे इनके रिजल्ट उल्टे हो गए। ये डिस्कस करते रहेंगे हम, यहाँ ध्यान दो। अभी क्या बताया था मैंने आपको, कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ऐसे रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन आपने 10th में थोड़ा पढ़ रखा है, रो एल बाई ए। तो अरे उल्टा हो गया, इन केस ऑफ कैपेसिटर ए इज द एरिया इज इन न्यूमिनेटर एंड डी इज इन डिनोमिनेटर, बट इन केस ऑफ द रेजिस्टर लेंथ ऊपर है और बेटे एरिया नीचे है, तो इसके उल्टे होने के कारण ये आपके रिजल्ट उल्टे हो गए। कैपेसिटर्स इन सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2, और कैपेसिटर्स इन पैरेलल C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। तो ये आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आते हैं, वो डिस्कस करते रहेंगे और हम करते रहेंगे। तो आज मैं थ्योरी तो इतनी ही कराऊंगा, क्योंकि ये अब लगभग आपके 4-5 पेज हो गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। और प्रॉब्लम्स आपने डाउट नहीं लिए, मुझे लग रहा है आप लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं किए बच्चों, थोड़ा सा स्पीडली काम करो, और ज़्यादा स्पीड की बात भी नहीं कर रहा, आप देखिए कि कितना वही हम पढ़ते हैं। आप कई बार वीडियो देखिए, कहीं समझ में ना आए फिर भी कोई दिक्कत है, अगेन यू कैन आस्क थ्रू द व्हाट्सएप कि सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और आपने देखा होगा इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई रिपीटेड सो मैनी टॉपिक्स एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे आज भी मैंने प्रॉब्लम रिपीट की है, वो आप लोगों ने पहले भी मैंने आपको करा दी थी, तो कोई बात नहीं। टेक केयर, और अब मेहनत करते रहिए, और आप देख लीजिए आज का काम हमने क्या क्या कर लिया। अगेन आई वॉन्ट टू रिवाइज यू, एक प्रॉब्लम की थी सबसे पहले आपने, क्या थी प्रॉब्लम, के ये आपने एंड्रोप्स ली, सब पे चार्ज क्यू है, तो बेटे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इनको इकट्ठा कर दिया तो एक बड़ी ड्रॉप बन गई, उसका चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से एन क्यू आ गया। तो और रेडियस का रिलेशन आपने प्लस वन में भी किया है, इन सब का कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इक्वल होगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी कट जाएगी तो वॉल्यूम दोनों के इक्वल आ गए, ये रहा वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एन ड्रॉप्स, तो वहाँ से आता है निकल के कंसेप्ट, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एन की 1/3 आर, तो R/R इज इक्वल टू एन की पावर 1/3। और उसने आपसे कैपेसिटेंस पूछा था, तो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर स्मॉल ड्रॉप का, बिग का कैपिटल आर, और इन दोनों का रिलेशन आर से वैल्यू रख दी। हाँ, तो ये आ गया आपका सी एन की पावर 1/3, तो C' / C एन की पावर 1/3। सिमिलरली यू कैन, पोटेंशियल पहले भी किया हुआ आपने न्यूमेरिकल, आप ध्यान से नोट्स देखना, पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, 1/4π/Q/R, तो ये आ गया आपका एन की 2/3, क्योंकि बच्चों देखो Q/R तो स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू इज इक्वल टू ये रहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से एन क्यू, और बेटे कैपिटल आर इज इक्वल टू एन की 1/3 स्मॉल आर, ऊपर ले जाइए तो एन की 1 - 1/3 वी एन की पावर 2/3 हो जाएगी, तो V' / V इज इक्वल टू एन की पावर 2/3। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने डिस्कस कर दिया था उस पिछली प्रॉब्लम में, तो वो देख लेना एक बार। ये हो गया था हमारा, इसके बाद तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, कि प्लेट्स के बीच का गैप डी है, इनका थिकनेस क्या ले ली, टी है आपने, क्लियर। तो अब दो फील्ड हो गए, बाहर खाली जगह में ई नोड है और अंदर स्लैब के अंदर कितना ई, याद
याद करो ईपी इधर आया था तो इज इक्वल टू ई नोड माइनस ईपी निकाला था आपने वहां, तो नेट पोटेंशियल क्या होता है इज इक्वल टू वी बाई डी से, तो वी इज इक्वल टू ई इंटू थिकनेस, तो खाली जगह कितनी बची डी माइनस टी, और स्लैब की थिकनेस टी है, अंदर फील्ड कितना है ई, तो वी इज इक्वल टू ई नोड डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, तो वी नो ई नोड बाई इज इक्वल टू के, सो बेटे यू कैन रिप्लेस ई बाई ई नोड बाई के, ई नोड दोनों, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ये ई नोड है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एप्सिलॉन नोड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये सोचना ही, तो ई नोड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, सो क्यू बाई एप्सिलॉन नोड इनटू ए, और बच्चों यू नो वेरी वेल, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ द ई नोड हियर, ये दो स्टेप बड़े ध्यान से लिख लिख के आप बार बार रीड करेंगे, इसको लर्न करेंगे तब जाकर आप, तब ये क्लियर होगा, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है ई नोड, ये सोचता है ये ई नोड है, नहीं ये ई नोड है ये एप्सिलॉन नोड है, तो ई नोड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, और बेटे सिग्मा क्यू बाई ए होता है, अब आपने इस ई नोड की वैल्यू पूरे की, ये क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नोड इसकी जगह उठा कर रख दी, हाँ ये रख, और ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, पुटिंग सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हर टॉपिक में मैंने क्या समझाया था पूरे चैप्टर का ये की है कि आपको पोटेंशियल निकालना है, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नोड ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्लियर, तो ये खाली जगह छोड़ी नहीं जा सकती, इफ यू विल लेफ्ट सम स्पेस तो देर विल बी सम एयर मॉलिक्यूल ड्यू टू देर आयनाइजेशन, तो स्पार्किंग में भी देयर पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट हियर, सो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो बच्चों दिस कंप्लीट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो यू कैन टेक टी इज इक्वल टू डी, तो पुटिंग रिप्लेस दिस टी बाई डी, तो टी इज इक्वल टू डी, तो डी माइनस टी प्लस डी बाई के, डी विल कैंसिल हियर, तो एप्सिलॉन नोड ए कौन ये बचा डी बाई के, ऊपर चला जाएगा के एप्सिलॉन नोड ए बाई डी, तो कैपेसिटी विल बिकम के टाइम्स, मैंने बताया था कि ये दोनों आपके स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सिलेबस में नहीं है, वेरिएबल पोटेंशियल से बात वही है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने दो बार रिवाइज करा दिया, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छी तरह कर लें, और मैं कुछ प्रॉब्लम भेजता हूँ आपको, वो कर लेंगे आप लोग, ठीक है, थैंक यू फॉर